चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर लिया था कि अबाउट द एक्सल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिगार्डिंग थ्योरम्स की। तो यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं वो चेक कर लेते हैं। थ्योरम्स दो टाइप की थ्योरम आती है यहाँ पे। एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और दूसरी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इनका यूज करके हम ढेर सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है इन थ्योरम्स का। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो स्टार्ट विथ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फर्स्ट। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे चेक करते हैं, क्या इसका स्टेटमेंट है वो चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक अनडेफिनेट शेप की कोई बॉडी है, इसका मास m है, यहां के इसका सेंटर ऑफ मास होगा, एंड दिस एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस है। इसके अबाउट जो आई लिखा जाएगा उसको आईसीएम कहा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आईसीएम होगा। लेट अस सपोज हमें कोई दूसरी एक्सिस दी हुई है यहां पे, ये एक एक्सिस है और ये पॉइंट है, इसके अबाउट आपको बॉडी का आई कैलकुलेट करना है, इसके अबाउट आई निकालना है। आप देख पा रहे हैं बोथ एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच का गैप डिफाइंड है ए, इनके बीच का गैप डिफाइंड है ए, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है। अब आपको आई निकालना है, आई कैलकुलेट करना है किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट। आईसीएम आपको बॉडी का गिवन हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको अभी बता दिया है पिछले आर्टिकल में, कि जो भी हमारी यूजफुल बॉडीज हैं जो यहाँ पे यूज होती है प्रॉब्लम में, उनके उनका आईसीएम क्या होता है, जैसे रिंग का, डिस्क का, स्पेयर, होलो, सॉलिड, सिलेंडर, इनका मैंने बता दिया है। तो आई आपको गिवन होगा, मास गिवन है, ए गिवन है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके हम इस आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो आई आपके पास आएगा, आई इज गिवन बाय आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, एंड डोंट बी कंफ्यूज, मैंने कहीं स्मॉल एम यूज कर दिया कहीं कैपिटल एम, तो आप मास है तो एम ही होगा, एक ही कोई सिंबल यूज कर लेते हैं। आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसका स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है इसी को आपको एज ए स्टेटमेंट लिख देना है, तो ये आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं यहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसलिए लिख रहा हूं कि जो बच्चे बहुत बेसिक से, यानी इनको 11th की भी तैयारी करनी है, 11th का भी एग्जाम देना है, तो वो कैसे लिखेंगे इसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू
सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी आई, ये आई है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी आई इज गिवन बाय सम ऑफ, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ आईसीएम यानी कि आई सम ऑफ शॉर्ट में लिख देता हूं आईसीएम, मतलब समझ गए, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये आप यहां पे स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस यहां पे मैंडेटरी कंडीशन है कि दो एक्सिस होनी चाहिए और दोनों ही पैरेलल होने चाहिए और उनमें से एक एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दो एक्सिस आपको देखनी है डायग्राम में, इसका यूज करते समय उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि सेंटर ऑफ मास से पास हो तो 2D बॉडी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो या इन द प्लेन हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए और दूसरी किसी अदर पॉइंट से गुजरे लेकिन वो सीएम वाले एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है। और इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि दोनों एक्सिस बॉडी से हो, एक एक्सिस बॉडी के बाहर से भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, बॉडी में हो या बॉडी के बाहर हो, सीएम वाली तो बॉडी पर ही होगी जनरली और अदर एक्सिस जो आपको दिख रही है ये वाली ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लागू होता है और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लागू होती है। अब मैं इसकी प्रूविंग बता देता हूं आपको, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये देखिएगा, सपोज हमने मान लिया यहां पे कोई स्मॉल एम मास है, बॉडी का ही एक स्मॉल एम मास है यहां पे, ये स्मॉल एम मास आपने ले लिया यहां पे, इसकी यहां से डिस्टेंस है आर। तो अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी का आईसीएम जो लिखा जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखा जाएगा, इसका मैं प्रूफ बता देता हूं यहां से, प्रूफ सिग्मा एम आर स्क्वायर क्यों लिखा गया, क्योंकि मैंने मान लिया बॉडी ढेर सारे स्मॉल एम मास के पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो एक सिंगल पार्टिकल का जो मास होगा एम है वो इस एक्सिस से सीएम वाले एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, उसके अबाउट आई जो होगा सिग्मा एम आर स्क्वायर होगा। अच्छा अगर मैं आई की बात करूं, आई यानी कि अबाउट दिस एक्सिस, आई क्या होगा, तो आई होगा ये गैप आपके पास ए दिख रहा है, तो आई आपके पास आएगा सिग्मा एम इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, जो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी टोटल डिस्टेंस आर प्लस ए हो जाएगी, बिकॉज दिस इज आर प्लस ए, आर प्लस ए होगी, तो आई हो जाए सिग्मा एम आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो यह आएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम इंटू ए स्क्वायर प्लस सिग्मा 2mRa। मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर दिया और आपको पता होना चाहिए, ये टॉर्क में बताया गया होगा आपको या लॉज ऑफ मोशन में भी बताया गया होगा कि ये जो टर्म है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास आपका जीरो होता है, सिग्मा एम आर जो होता है वो जीरो होता है, a तो फिक्स वैल्यू है तो a को बाहर ले लेंगे, सिग्मा एम आर जीरो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास है आईसीएम, जैसा कि आपने देखा ये लिखा हुआ है आईसीएम प्लस ए कांस्टेंट बाहर ले लीजिए सिग्मा एम। मैंने अभी बताया कि ये जो बॉडी है स्मॉल एम मास के ढेर सारे पॉइंट मास से मिलकर ये कंप्लीट मास कैपिटल एम बना है, तो सिग्मा एम उन सारे मासेस का सम होगा, तो सिग्मा एम की वैल्यू जो होगी स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम के बराबर हो जाएगी, तो आप पास आ जाएगा आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर, ये आप पास आई आ जाएगा, वो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है
मैं यहां लिख सकता हूं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस थी, ये आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं दोनों एक्सेस का यूज करना बताऊंगा कैसे, तो अभी मैं अभी एक दूसरी थ्योरम ले लेता हूं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। नेक्स्ट नेक्स्ट केस टू है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या डिफाइन करती है? जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ कुछ परपेंडिकुलर एक्सेस होंगी, इसके पहले थ्योरम के नाम से पता चल रहा था कुछ पैरेलल एक्सेस होंगे, तो क्या डिफाइन करता है? तो मैं आपको बता दूं, सपोज ये कोई अनडेफिनेट शेप की बॉडी है, यहां पर तीन एक्सेस हो सकती हैं, आपको विजुलाइज करनी है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, मैं जेड को डिफरेंट कलर से थोड़ा बनाना चाह रहा हूं, जैसे कि आपको कुछ एक डिफरेंस बता सकूं। सपोज जेड एक्सेस मैंने किसी और कलर से बना दी, ये जेड एक्सेस, ये कोई पॉइंट बॉडी का हो सकता है जहां से ये तीन एक्सेस पास हो रही हैं। मैं पहला एक यहां एक नोट लिख दूं, इट इज वैलिड only for 2D bodies, ये सिर्फ 2D bodies के लिए वैलिड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। This theorem is valid only for 2D bodies, जबकि इसके पहले मैंने आपको जो बताया theorem of parallel axis, वो किसी भी body के लिए वैलिड है, जैसे 1D body मतलब जैसे pen, 2D body में जैसे ring आ जाएगा, plate आ जाएगी, ठीक है, triangular plate आ जाएगी, rectangular plate होगी, disc होगी, वो है, और 3D बॉडीज में सॉलिड स्पेयर, हॉलो स्पेयर, सिलेंडर, ये आ जाएंगे। तो पहली वाली थ्योरम ऑल काइंड ऑफ बॉडीज के लिए वैलिड थी, पैरेलल एक्सेस की थ्योरम, और जो परपेंडिकुलर एक्सेस की थ्योरम है, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडीज, यानी कि ये थ्योरम रॉड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सेस की थ्योरम, ये थ्योरम स्पेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 3D में आ जाता है, ठीक है, तो इट इज वैलिड फॉर 2D बॉडीज। अब मैं आपको बताऊं इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अगर 2D बॉडी है, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक कॉपी है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो अगर मैं देखूं जिस वॉल पे मेरा ये बोर्ड लगा हुआ है, इस वॉल पे या ये आपको वॉल दिख रही है, तो यहां ओरिजिन मान लूं, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, दिस वन इज वाई एक्सिस, ये दो हो गए, तो अगर मैं ऐसे ये बनाऊं तो ये आपका आउट द प्लेन जा रही है 3D में, आउट द प्लेन, तो ये जेड एक्सिस है, तो मैंने ऐसे ही ये जेड एक्सिस आउट द प्लेन बनाई, तो ये हमारा बोर्ड जो है ये आपका एक 2D बॉडी है, 2D बॉडी यानी एक प्लेन पर, एक वॉल पे चिपका हुआ है, तो एक एक्स एक्सिस इसके प्लेन पर है, वाई एक्सिस भी इसके प्लेन पर है, तो इसका प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा, तो ये दो एक्सिस एक्स और वाई इसके प्लेन से पास हो रही है, और तीसरी एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रही है, जैसा हमने जेड एक्सिस दिखाई है। अगर यही हमारा बोर्ड जमीन में रखा होता तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जैसे ये रखा होता इस दिस टाइप, तो ये जेड एक्सिस होती, ये एक्स एक्सिस होती, तो ये दो एक्सिस इसके प्लेन पर होती और ये वाई एक्सिस जो मैं दिखा पा रहा हूं ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती, ठीक है, राइट। अगर मेरा बोर्ड ऐसे रखा होता तो ये आपकी वो जो आ रही है जेड एक्सिस है, ये आप वाई एक्सिस है, ये दो एक्सिस इसके प्लेन पर होती और एक्स एक्सिस जो ये जा रही है ये इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो अगर आप 3D बॉडी लेते हैं तो आपको यहां पे तीन एक्सिस देखनी है, थ्री एक्सिस, इन थ्री में से टू एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ बॉडी होनी चाहिए, क्यों मैंने कहा 2D बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, तो 2D बॉडी का अपना एक प्लेन होता है तो उसमें दो एक्सिस हो सकती है, यही अगर रॉड लेते हैं तो उसका कोई प्लेन ही नहीं होता, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। आप सॉलिड स्पेयर लेते हैं तो उसका एक वॉल्यूम होता है, तो तीनों ही एक्सेस उस स्पेयर में होती तो भी एप्लीकेबल नहीं होती। तो 2D बॉडी में आपको तीन एक्सेस देखनी है, उनमें से दो एक्सेस जो है बॉडी के प्लेन पर होनी चाहिए और एक
परपेंडिकुलर टू प्लेन होनी चाहिए, प्लेन ऑफ बॉडी। अगर ऐसा है तो हम डायग्राम में, जैसा मैंने आपको समझाया कि ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड एक्स वाई प्लेन पर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके प्लेन पर है और जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट क्या, पहले मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट वाई। इसका स्टेटमेंट यह हुआ, इफ देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इफ देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आउट ऑफ देम टू एक्सिस आर ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड थर्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, then the moment of inertia of the body about the third axis is given by the moment of inertia of the given by sum of moment of inertia of body about first two axis। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख देता हूं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में पूरी आसानी रहे। इफ देयर आर थ्री म्यूचुअली perpendicular axis out of them two axes are passing through plane of body and third is perpendicular to plane of body, then MI, short में लिखो moment of inertia of body, moment of inertia of body about third axis is given by, sorry, is given by sum of MI of body about first two axes। First two axes मतलब x और y के about जो body के moment of inertia का sum है वो z axis के about body के moment of inertia के sum के बराबर होगा। अगर x और y दो axes body के plane पर जा रही है, अगर x और z body का plane होता तो I x प्लस आई जेड को हम आई वाई के बराबर करते हैं, वो वाई परपेंडिकुलर जाती है। यानी कि मैंने अभी आपको दिखाया बॉडी अभी ऐसे रखी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड इससे बाहर जा रही है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड दिया जाएगा। अगर बॉडी मैंने ऐसे रख दी तो ये जेड आपकी ओर है, ये एक्स है, तो वाई इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो आई वाई की वैल्यू आई एक्स प्लस आई जेड दी जाएगी। अगर ये बॉडी ऐसे रखी हुई तो जेड आपकी ओर, ये देखिए वाई इस बॉडी पर है, तो आई वाई प्लस आई जेड की वैल्यू आई एक्स के बराबर दी जाएगी, एक्स उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको देखना है यहां पे आपको तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस फाइंड आउट करनी है, उनमें से दो बॉडी के प्लेन पर होंगी और तीसरी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि सीएम हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करना है। प्रूफ, सपोज मान लेते हैं ये कोई बॉडी है जिसका टोटल मास m होगा, तो यहां पर भी हम एक कोई पॉइंट मास ले लेते हैं, सपोज दिस वन, यहां पे कोई एक पॉइंट मास ले लिया मैंने, इसका मास m, ऐसे ढेर सारे मास से मिलकर के ये एक बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अब इस बॉडी का अगर मैं कोऑर्डिनेट डिफाइन करूं तो ये आप देख पा रहे हैं x एक्सिस है, x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है, ठीक है, x डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है, राइट। अगर मैं बॉडी का i
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस देखो, तो ये आएगा सिग्मा एम इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप कहेंगे वाई स्क्वायर क्यों आएगा, तो गॉस देखें एक्स एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट का एम आई देखना हो तो ये एम मास है, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई आएगी ना, देखिए दिस वन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस चेक करूं, वाई एक्सिस के अबाउट चेक करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्सिस ऐसे जा रही है, इसके अबाउट इस पॉइंट मास का आएगा एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस एक्स है देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम इंटू एक्स स्क्वायर, तो एम इंटू एक्स स्क्वायर ये एक सिंगल पॉइंट मास का आएगा। ऐसे पूरी बॉडी के लिए निकालना है तो सिग्मा कर देंगे, सिग्मा एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे इसी बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हम दो पॉइंट लिख चुके हैं, अब आपको 3D में विजुलाइज कराता हूं, आप देखिए ये जेड एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस ये जा रही है, तो इस पॉइंट की ये डिस्टेंस आएगी, दिस वन इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मैंने ये बोर्ड जो है हमारा 2D है, इसे ये एक्सेस आपको ऐसे आते दिखाई, एक्चुअली ये एक्सेस जेड वाली ऐसे है। अब इस जेड एक्सेस से पॉइंट मास की डिस्टेंस ये आ रही है, ये डिस्टेंस जिसको मैं अभी बना के दिखाता हूँ, दिस वन, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर मैं जेड एक्सेस से डिस्टेंस चेक करूं तो डिस्टेंस कुछ इस टाइप से आ जाएगी, दिस वन, ये डिस्टेंस आर होगी, और अगर डायग्राम देखें तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई अबाउट जेड देखें हम बॉडी का, तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड एक्सिस सिग्मा एम इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू आर स्क्वायर, आर आपने ऊपर लिखा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दें, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर, और सिग्मा एम एक्स स्क्वायर आई वाई है, सिग्मा एम वाई स्क्वायर आई एक्स है, तो यहां से प्रूफ हो जाता है आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, हेंस प्रूफ्ड, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर प्रूफ हो चुकी है, हेंस प्रूफ्ड, क्लियर है। तो ये 2D बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, उनमें से दो बॉडी के प्लेन से गुजरनी चाहिए और तीसरी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, तीसरी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले दो एक्सिस के अबाउट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इनके अप्लाइड फॉर्म पे, प्रॉब्लम करना बहुत जरूरी होता है, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, विजुलाइज कराता हूं मैं सारी चीजें आपको, और कुछ प्रॉब्लम करवाता हूं, एंड तक देखते रहिएगा, प्रॉब्लम बहुत मजेदार है, बेसिक प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट को समझने की। मैंने आपसे पहले ही कहा इस सीरीज की शुरुआत में कि रोटेशन पूरा मैं आपको कराऊंगा और एक टफ टॉपिक को बहुत आसान तरीके से आपको डिलीवर कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं एप्लीकेशन पे, इसके एप्लीकेशन पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया रिंग का, पहले रिंग में मैं कई केसेस करा देता हूं, रिंग पे आप जानते हैं ये एक रिंग है, ये इसका सीएम है, सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस पास हो रही है, ये थोड़ा मैं 3D बनाने की कोशिश की है, तो आप देखें रिंग कुछ ऐसे रखा होगा, एट मीन्स आप इसको ये समझ सकते हैं ये एक रिंग है, तो रिंग ऐसे नहीं रखा, इस टाइप से रखा हुआ है, और सेंटर ऑफ मास ये इसका होगा, तो ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ये डायग्राम सामने में विजुलाइज करा हूं, सोचिएगा रिंग का प्लेन ये है, दिस वन जो आपको दिख रहा है, दिस वन नहीं है, इस टाइप से रिंग का प्लेन है और ये इसका सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस पास हो रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, इसके अबाउट तो हमने पहले लिख दिया था कि इसके अबाउट आपका आंसर जो होता है दिस वन, इसी को आईसीएम कहते हैं, ये एम आर स्क्वायर होता है, जहां एम इसका मास है, आर इसके रेडियस है, ठीक है। अब मैं निकालना चाह रहा हूं इसी के ही पैरेलल एक एक्सिस पास हो रही है,
मीन आप ये कह सकते हैं ये पॉइंट है, ये यहां से एक एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ठीक है। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई कैलकुलेट करना है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आप देख पा रहे हैं इसको, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, एम आई ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सेस टेंजेंट टू रिंग क्योंकि ये एक्सेस रिंग के टेंजेंट तो है, टच कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये निकालना है, ठीक है। तो आप जैसा डायग्राम देख पा रहे हैं यहां दो एक्सिस दिख रहे हैं, उनमें से एक सीएम से गुजर रही है, एक उसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस हम लगा दिए क्योंकि हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल होती है, तो आप यहां कह सकते हैं आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। अब ए आपका क्या होगा, ए होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप जो कि रेडियस के बराबर होगा, तो आप पास आ जाएगा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, और आई सी एम भी आप पास एम आर स्क्वायर होता है प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आप पास आई आ जाएगा आई इक्वल टू टू एम आर स्क्वायर, ये टू एम आर स्क्वायर आ गया। एक चीज और आपको विजुलाइज कराते हैं, देखिएगा ये आपके पास एक रिंग है, जब आईसीएम निकाला था जो पहली वैल्यू के हमारे पास, तो उसके अबाउट रिंग ऐसे घूम रहा होगा, एक्सिस अपने फिक्स होगी, रिंग ऐसे घूम रहा होगा, मेरे हाथ को देखिए रिंग ऐसे घूम रहा है, आपको ये पॉइंट दिख सकता है, तो रिंग इसके अबाउट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाला रेड कलर अबाउट, तो आप सोचिए ये एक्सिस ये है, जैसे मैंने हाथ पकड़ रखा है रिंग इसके अबाउट घूमेगा ऐसे, दिस वन ये एक्सिस है, इसके अबाउट रिंग घूमेगा इस टाइप से, दिस वन ऐसे है, इस टाइप से एक्सिस रिंग घूमते घूमते ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस अपने जगह फिक्स होगी, ठीक है, क्लियर। इस टाइप से यहां से सोचिए एक्सिस पास हो रही है और ये ऐसे घूम रहा है, दिस वन ऐसे घूमेगा रिंग, क्लियर। तो तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का जो अपोज करता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन है, वो टू एम आर स्क्वायर होगा। अब मैं बात कर लेता हूं रिंग का प्लेन दिखाता हूं वो क्या होता है, ठीक है। तो ये पहला केस था हमारा एग्जाम्पल टू, अब मैं रिंग को आपके बोर्ड पर ही दिखा रहा हूं, देखिएगा एग्जाम्पल टू का डायग्राम मैं यहां ले लेता हूं, एग्जाम्पल टू थोड़ा स्पेस बच जाएगा आपको समझने में आसानी रहेगी, ये एक मैंने रिंग ले लिया, मास एम है, रेडियस आर है, यहां पे इसका ये सी एम है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लेते तो कोई पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ है। अब आपका रिंग आपके वर्ड का प्लेन पर है, वो प्लेन ऑफ बोर्ड पर है, तो रिंग ये ऐसे रखा हुआ, सपोज ये ऐसे रिंग रखा है, सेम साइज का भी बन गया, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये रखा हुआ है, अब इसके सेंटर से ये एक एक्सिस पास हो रही है, ये इसके अबाउट आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस वन, ये एम आर स्क्वायर होता है, यानी कि एक्सिस आईओ आईओ ही यहाँ पे आईसीएम हुआ, आईओ सिंगल पॉइंट लिखा है तो मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसी को आईसीएम कहते हैं, ये एम आर स्क्वायर होगा और यही आईसीएम होता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो है एम आई ऑफ रिंग, रिंग अबाउट इट्स डायमीटर,
डायमीटर अबाउट इसका एम आई क्या होगा, इट मीन्स ये एक ऐसे एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट। एंड डोंट बी कंफ्यूज कि डायमीटर डायमीटर रिंग में ढेर सारे होंगे, आप ये देख रहे हैं ये भी डायमीटर है, ऐसे पास होगी एक्सिस तो ये भी डायमीटर है, ऐसे पास हो ये भी डायमीटर है, ऐसे पास हो ये भी डायमीटर है, तो कोई भी डायमीटर, तो मैं शॉर्ट में डायमीटर लिख दिया। तो इसके अबाउट आपको एम आई चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायमीटर की एक्सिस मैंने पहला डायमीटर ये बना दिया। अब यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम का यूज होगा, कैसे यूज होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे जब भी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने जाएंगे तो आपको अपने मन से यहां पे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए ही होंगे। आपको एक पहली एक्सिस बोर्ड में दिख रही है, इसके अबाउट निकालना, ये एक एक्सिस है जो मैंने आपको पेन के थ्रू दिखा रखी है, इसकी सीएम वाली एक्सिस है, इसके अबाउट आप जानते हैं एमआर स्क्वायर होता है। दो देख रहे हैं जिनमें से एक उसके प्लेन पर, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तीसरी हमें और मिल जाए तो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हम लगा सकते हैं। तो हमने एक जुगाड़ लगाया कि आखिर ये भी तो एक डायमीटर है, एक्सिस नंबर टू ये भी डायमीटर है। अब आप देखिए यहां पे आपको तीन एक्सिस दिख रही हैं, तीन में से दो एक्सिस वन एक्सिस टू बॉडी के प्लेन पर है, दोनों ही डायमीटर है, और एक एक्सिस ये दिख रही है आपको पेन से देखिए, तीन तीन में से दो बॉडी के प्लेन पर है, एक आउटसाइड प्लेन है, तो आई अबाउट वन प्लस आई अबाउट टू, वन और टू दोनों ही डायमीटर है, दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो आई अबाउट वन प्लस आई अबाउट टू इज इक्वल टू आई अबाउट ओ, ओ ही सीएम है, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। तो यहां पे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जब भी आपको लगानी होगी तो आपको तीन एक्सिस अपने मन से बनानी है, विजुलाइज करनी है, तो ये विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है कि कौन से तीन एक्सिस हैं जिनमें से हमें कुछ के अबाउट पता हो, कुछ सिमेट्रिक हो जिनकी वैल्यू सेम हो, तो आई वन आई टू सिमेट्रिक है, इनकी वैल्यू सेम होगी तो मैं तुरंत यहां पे आंसर दे सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं आई ओ आई वन प्लस आई टू, एम आई ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस वन, एम आउट ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस टू, दोनों प्लेन पर उनका सम इज इक्वल टू एम आउट एम आई ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस ओ, ओ का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाय डिफॉल्ट ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ही डायमीटर है, आई वन और आई टू सेम सिमेट्रिक है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, लेट आई मान लें इसको क्योंकि हमें निकालना था, तो टू आई बन जाएगा इसको टू आई यू, आई यू ही आई सी एम है आपका, तो टू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आई अबाउट डायमीटर, डायमीटर पास एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, एंड दैट बिकम योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है, डायमीटर अबाउट इसका आंसर एम आर स्क्वायर बाई टू कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मींस क्या रहा, डायमीटर अबाउट आई का मतलब क्या रहा, ये रिंग है तो ये कैसे मूव करेगा, ये रिंग है डायमीटर अबाउट कैसे मूव करेगा, तो जैसे सपोज मैंने यहां दो जगह डायमीटर पकड़ा, रिंग ऐसे रोटेट करेगा। अब इसका डायमीटर मैं आपको दिखाता हूं, सपोज दिस वन, ये इसका डायमीटर आपको दिख रहा हो तो रिंग इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, दिस वन, आप इसका रोटेशन देख पा रहे हो, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, तो रिंग का एम आई इस टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक और लिखा देते हैं रिंग पे, जैसे मैं रिंग पे कर रहा हूं ऐसे आपको डिस्क में कैलकुलेट करके मुझे आंसर देने हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस थ्री एग्जाम्पल थ्री, ये मैंने एक रिंग ले लिया हुआ है, अब मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इसका मास m है, रेडियस r है, एक ऐसे टेंजेंट आ गई, सपोज दिस वन, ये यहां पर टच कर रही है, ठीक है, इसके अबाउट मुझे i निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब ये रिंग जो है ये आपके प्लेन पर ही है, ये रिंग आपके प्लेन पर है इस टाइप से, दिस वन, और ये आपकी एक एक्सिस पास हो रही है इसी टेंजेंट पे, आप ये डायग्राम विजुलाइज कर सकते हैं, इसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास m है, रेडियस r है, तो अभी आपने ऊपर एक चीज कैलकुलेट की डायमीटर के अबाउट, ध्यान दीजिएगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा,
ये इसका सी एम और ये डायमीटर है रिंग का, ये पूरी डार्क एक्सेस में दिखा रहा हूं, ये डायमीटर है। इसके अबाउट जो जब रिंग रोटेट करेगा तो इसको आई डायमीटर बोलेंगे, इसकी वैल्यू आपने एम आर स्क्वायर बाई टू कैलकुलेट किया, अभी ऊपर कैलकुलेट ये लिखा हुआ देखिए एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब बाई डिफॉल्ट ये सेंटर ऑफ मास से भी गुजर रही है, देखिए मुझे इससे मतलब नहीं कि परपेंडिकुलर हो सेंटर ऑफ मास से या ऑन द प्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हो, इसके अबाउट निकालना है। और आपको पता है इन दोनों के बीच का गैप जो होगा रेडियस ऑफ रिंग के बराबर होगा, रेडियस ऑफ रिंग के बराबर होगा। तो यहां बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाए और हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। आई सी एम का मतलब रिंग हमेशा ये मत समझ लीजिएगा कि वो ये वाली एक्सेस है, ऐसा नहीं है। इन गिवन केस आई सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास अभिव्यक्ति एक्सेस है, बट वो डायमीटर है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, अब ये ऑन द प्लेन है। तो यहाँ पे आई सी एम जो ये वाला है इसे वो आई डायमीटर लिखा जाएगा प्लस एम ए की जगह आर का यूज कर दिया जाएगा, तो यही जो आर है दिस इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। आई अबाउट डायमीटर है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई आपके पास अबाउट द टेंजेंट आ जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, और यही हमारा एक थर्ड एग्जाम्पल था अबाउट द रिंग, रिंग के अबाउट ये थर्ड एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टी वाई एस दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। तो रिंग पे ये तीन एक्सेस पूछी जा सकती है, तो रिंग पे कौन कौन से तीन एक्सेस होगी, पहली एक्सेस ये होगी जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है आई सी एम एम आर स्क्वायर, दूसरा डायमीटर हो गया इसके अबाउट आपने देखा एम आर स्क्वायर बाई टू आया था, तीसरा टेंजेंट ऑन द प्लेन हो गए इसके अबाउट आपका आंसर आया था आया है थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, और चौथा अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट पी कहूँ तो सेंटर ऑफ मास से पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक टेंजेंट है, तो इसके अबाउट कहूँ तो ये मैंने ऊपर निकाला है जो कि टू एम आर स्क्वायर है। तो मैं रिंग की समरी कर देता हूँ, वो चेक कर लीजिए कैसे आएगी। तो मैं फाइनल इसमें एक समराइज करके रिजल्ट लिख देता हूँ, कुछ एक्सेस होंगे, ये रिंग बन चुका है, एक एक्सेस हो गई और एक दूसरी एक्सेस बना दे रहा हूं ऐसे, वन टू, एक पॉइंट होगा ऐसे यहां पे पॉइंट बी होगा और एक इसका सेंटर ऑफ मास ओ होगा, इसी को मैं सी एम कह देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, रिजल्ट है इसके अबाउट रिंग अगर रोटेट करेगा तो आई ओ यही आई सी एम भी है, ये एम आर स्क्वायर होगा, अगर पी के अबाउट रिंग रोटेट करेगा परपेंडिकुलर द प्लेन होगी तो आई पी एम आर टू एम आर स्क्वायर होगा, मैंने ऊपर निकाला है। अब अगर डायमीटर अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है, तो आई अबाउट डायमीटर रोटेट करेगा तो ये आपके पास हो जाएगा डायमीटर के अबाउट, अभी हमने निकाला है देखिए ऊपर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। और अगर रिंग डायमीटर हो गया है, पी हो गया है, कौन कौन से मैंने निकाल दिए, पी के अबाउट निकाल दिया, इसके अबाउट निकाल दिया, डायमीटर अबाउट निकाल दिया, चार आंसर में निकाले थे, डायमीटर अबाउट हो गया, टू एम आर स्क्वायर टेंजेंट के अबाउट हो गया, पी के अबाउट, ठीक है, डायमीटर के अबाउट हो गया, और एम आर स्क्वायर बाई टू था इसका किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू था, बट ये मैंने टेंजेंट के अबाउट निकाला था, ये हम गलत लिख गया, टेंजेंट के अबाउट है यानी कि अबाउट एक्सिस दिस, तो ये गलत हो गया है, तो डायमीटर अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, ये लिखा देखिए डायमीटर अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, डायमीटर अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और आई अबाउट टेंजेंट थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ये टेंजेंट ऑन प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है।
ये आपके पास हो चुके हैं। ऐसे ही मैं आपको TYS दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करके बताना है, ट्राई योर सेल्फ है, आपको कैलकुलेट करके बताना है, बताइएगा TYS। इसके आंसर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या वैल्यूज निकाली हैं। अब मैं आपके सामने एक डिस्क लेने जा रहा हूं, अब आपको डिस्क में भी यही सारे एक्सेस में दूंगा, आपको एक्सेस के कलर बदल देता हूं। मान लीजिए यहां पे टच कर रही है, ठीक है, तो आपको एम मास आर रेडियस के एक डिस है। पहला तो आप बताना है सेंटर ऑफ मास, ये ओ आई ओ यानी कि ICM बताना है, ठीक है। इसके बाद आई एक्सेस वन है, इसके अबाउट आई वन बताना है, इसी को आई डायमीटर भी कह सकते हैं, डायमीटर। फिर आपको आई अबाउट पॉइंट पी बताना है, इसको मैं यहाँ पॉइंट पी लिख दू, पॉइंट पी के अबाउट घूमेंगे, यानी कि भी टेंजेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन है, आई पी आपको कैलकुलेट करना है। P लिखने का मतलब होता है ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, जैसा मैंने अभी रिंग में भी किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको I टेंजेंट एक्सिस नंबर 2, इसके अबाउट अगर घूमेगा रिंग रोटेट करेगा तो I 2 बताना है, इसी को I टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो ये TYS है, ये आपको खुद करके बताने हैं और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं एक स्क्वायर प्लेट ले लेता हूं, उसका MI कैलकुलेट करते हैं और इन थ्योरम्स का यूज करेंगे। जैसे स्क्वायर प्लेट के पहले मैं एक स्फीयर ले लेता हूं, सपोज ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अगर ये आपका इसका डायमीटर है तो इसके अबाउट ही आपने इसका MI लिखा था, दिस वन इसके अबाउट ICM ही था, ये 2/5 mR². अब अगर मैं इसी में ही टेंजेंट के अबाउट अगर आपसे पूछूं, टेंजेंट भी कोई भी टेंजेंट होगी सबके अबाउट सेम आंसर होगा, तो अबाउट द टेंजेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा, टेंजेंट के अबाउट अगर मैं इसके अबाउट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो I आपके पास आ जाएगा 2/5 mR², पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लग जाएगी, इसके अबाउट आई निकालना है और ये ICM होता है, ठीक है। और गैप होगा आर के इक्वल 2/5 mR² + mR², ये आपके पास आ जाएगा 7/5 mR², ये आंसर है। ऐसे आप हॉलो स्फीयर के निकाल सकते हैं, सिलेंडर से भी निकाल सकते हैं, तो वो मैं नहीं करने जा रहा हूं। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट का, स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं इस टाइप से, ABCD ये स्क्वायर प्लेट है। अगर एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेट कुछ ऐसे मान सकते हैं आप, दिस वन ये कोई एक स्क्वायर प्लेट, वैसे देखने में रेक्टेंगुलर है, अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरे पास, तो कुछ एक स्क्वायर प्लेट है और ये इसका CM दिख रहा है, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, मैं पहले भी लिख चुका हूं, ML²/6 होता है। अगर इसका मास M है और लेंथ L है, साइड लेंथ L है, तो अबाउट मैं कुछ पॉइंट दिखा दे रहा हूं, दिस वन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, ये O होगा और यही इसका CM भी कह रहेगा, इसके अबाउट इसका MI कैलकुलेट करें, दिस वन, तो IO या ICM जो भी आप कह रहे हैं। मैं जब यहां सिंगल पॉइंट लिख रहा हूं, ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये सिंगल पॉइंट लिखने वाला होता है ये एक्सिस, IA लिखो तो मतलब ये एक्सिस है, IB लिखो, D लिखो तो ये एक्सिस है, IC लिखो तो ये एक्सिस है, अगर मैं IAB लिखू तो वो एक्सिस आपको बोर्ड में दिखेगी, दिस वन ये एक्सेस आपको बोर्ड में दिखाई देगी, ठीक है। तो IO या ICM आपको पता ही है ML²/6 होता है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सपोज पहला पॉइंट मैं यहां पूछ लेता हूं, आपको IA निकालिए,
अगर आई सी एम का मतलब एम एल स्क्वायर बाय सिक्स है, तो मैं ये आपके सामने सपोज मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर नहीं एक स्क्वायर प्लेट है, तो ये प्लेट ऐसे घूम रोटेट करे इसके अबाउट, ये फिक्स पॉइंट है, दिस वन फिक्स पॉइंट है, प्लेट ऐसे रोटेट करे, आप देख पा रहे हैं इसको, इस टाइप से प्लेट रोटेट करे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या इफेक्ट जनरेट होगा, दिस वन। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए आई ए निकालिए, तो सपोज मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट होगा ए, इसके अबाउट प्लेट ऐसे रोटेट करे, देखिए ध्यान से इस टाइप से प्लेट कुछ ऐसे रोटेट करेगी, अगर मैं देखूं तो प्लेट ए कोई एक पॉइंट होगा, इसके अबाउट ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट प्लेट ऐसे रोटेट करेगी, तो ये आई ए आएगा, सॉरी गिर गई, ठीक है, तो आई ए आपके पास कुछ इस टाइप से कैलकुलेट होके आ जाएगा, एक पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी ऐसे से, क्लियर राइट। तो आई ए हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेट करना है मुझे इसके अबाउट, ये पॉइंट है, इसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है आई ए, हाँ सिमेट्री ये कहती जो आई ए होगा वही आई बी होगा, सेम वैल्यू आई सी होगी, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइप से होगा और सेम वैल्यू आई डी होगी। तो आई ए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आप गॉस देखेंगे, हम यहां पर दो एक्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक है सेंटर ऑफ मास वाली, इसके अबाउट हमें पता है, और एक ये एक्सेस। अब आप गॉस देखें क्या आपको यहाँ पे दो पैरेलल एक्सेस दिखाई दे रही हैं, तो आपका आंसर होगा यस, और इनके बीच का गैप होगा हाफ ऑफ द डायगोनल, ये दो पैरेलल एक्सेस आपको दिख रही है, विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है राइट। और ये गैप जो होगा ये ए बनेगा, इसी को एल बाई रूट टू कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये गैप आ चुका है ए, ये है एल बाई रूट टू, ये गैप आ चुका है, तो आप यहां कह सकते हैं भाई थ्योरम ऑफ ऑफ पैरेलल एक्सेस, थोड़ा पैरेलल एक्सेस की बात करें तो आई ए हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, आई सी एम आपके पास है एम एल स्क्वायर बाय सिक्स प्लस एम ए है एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा टू बाई थ्री एम एल स्क्वायर आई ए, दैट बिकम योर आंसर, क्लियर है, यही आई ए होगा, यही आई बी होगा, यही आई सी होगा और यही आई डी होगा। अब आपसे बात की जाए कि मुझे कैलकुलेट करना है दूसरा पॉइंट आई ए बी, ए बी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये एक्सिस आपको बोर्ड में दिख रही होगी, जब आई ओ था तो ये आपको नहीं दिख रही थी, परपेंडिकुलर थी, आई ए था तो भी परपेंडिकुलर थी, बट आई ए बी आ चुका था आपको बोर्ड में दिख रही है एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास है दिस वन इज साइड ए बी, तो ये एक्सेस पास हो रहे हैं, मुझे इसके अबाउट एम आई कैलकुलेट करना है, यानी इसके अबाउट बॉडी कैसे होगी, कुछ इस टाइप से रोटेशन होगा, ऐसे इस टाइप से कुछ रोटेशन होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या एम आई जनरेट होगा वो हमें निकालना है, तो आई ए बी, आई ए बी आपको कैलकुलेट करना है, तो कंफर्म हो जाएगी सिमेट्री से जो आई ए बी है वही आई बी सी है, वही आई सी डी है और सेम इज आई डी है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप ध्यान देखें, दो थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, कौन सी थ्योरम आप यूज करना चाहेंगे यहाँ पे, सिमेट्री कह रही है कि जो आई ए बी होगा वही आई ए डी होगा, तो वो जो ये एक ए बी वाली एक्सिस, मैं इन दोनों एक्सिस को एक्सटेंड करता हूं, ये ए बी वाली एक्सिस ये एक्सटेंड हुए दिस वन, और ए डी वाली एक्सिस को एक्सटेंड कर दीजिए, ये देखिए तो ये दो एक्सिस एक्सटेंड हो चुकी है, दोनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और ऑन द प्लेन है, और एक ये एक्सेस देखिए, ये अभी आपने इसका आंसर निकाला है, आपको यहाँ तीन एक्सेस दिखाई दे रही है, तीन एक्सेस में आई ए जो ये एक्सेस इसका आंसर आपने निकाला, ये प्लेन के बाहर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये दो एक्सेस इसके प्लेन पर, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यानी कि आपकी यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस की कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो भाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर लें,
तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, आई ए, आपको ए बी निकालना, आई ए बी प्लस आई ए डी, ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, आई ए बी आई ए डी, बाई डिफॉल्ट आई ए बी और आई ए डी दोनों सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, सिमेट्री से, आई जो ए बी जो आएगा वही आई ए डी आएगा, क्योंकि बोथ आर साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए, आई ए बी प्लस आई ए डी इक्वल टू आई ए, ये आई ए आपका आ चुका है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल ट्वाइस ऑफ आई ए बी लिखते हैं, और आई ए आपके पास है, आपने कैलकुलेट कर 2/3 एम एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आई ए बी आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, आई ए बी आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 एंड दैट बिकम योर आंसर। एक आपको जादू दिखाता हूं, एक सेमेट्री का केस दिखाता हूं, सेमेट्री को विजुलाइज करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास एंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, यानी कि मास टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर और किस तरीके से फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर किसी केस में सारे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो हम उसको पॉइंट मास मान के भी काम चला सकते हैं। सोचिएगा आपको इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, ये सारा मास कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, अगर आप सोचिए इधर से और इधर से ऐसे फोर्स लगाए इसको कंप्रेस कर दें, ठीक है, यानी कि आप एक ऐसे फोर्स लगाइए, मैं आपको दिखाता हूं, एक्सिस यही है, बस पूरी प्लेट को ऐसे दबा दीजिए, ऐसे फोर्स लगाइए, ऐसे ऐसे, तो कोई मास पैरेलल टू द एक्सिस सारे मास शिफ्ट हो रहे होंगे, यानी कि गैप नहीं बदलेगा, सारे मास एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो रहे होंगे इस टाइप से, और इसको आप ऐसे कंप्रेस कर दें तो आपके सामने एक नया डायग्राम आ जाएगा, देखिए पूरी की पूरी प्लेट कुछ ऐसे हो जाएगी, पूरी प्लेट ऐसे हो, आपकी एक्सिस ए बी चली जाएगी ऐसे, देखिए ऊपर डायग्राम, और ये साइड लेंथ एल है, जैसे साइड लेंथ एल, तो ये पूरी एम मास और एल लेंथ की एक रॉड बन जाएगी दिस टाइप से, ये आपके पास एक रॉड होगी, और आपको इसके अबाउट एम आई चाहिए और इस एक्सिस के अबाउट एम आई चाहिए, तो आप देखिए रॉड का एंड के अबाउट, अभी मैं आपको करवा चुका हूं, रॉड का एंड के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ऐसे कुछ सिमेट्री के केसेस आते हैं, इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, तो ये आपके पास कुछ केस आ जाते हैं, इनको आप कर लीजिए। अब मैं कुछ चीजें आपको करने को दे रहा हूं, जैसे मैं आपको यहां पे टी वाई एस दे रहा हूं, टी वाई एस लिखिएगा, डायग्राम में सामने रखता हूं, टी वाई एस ट्राई योर सेल्फ, ये आपको करके मुझे आंसर रिप्लाई करना है, आपको आई ए डी ए सी निकालना है, आई बी डी निकालना है, बाय डिफॉल्ट दोनों सेम होंगे, तो ए सी इसका डायगोनल है सिमेट्री से, तो बी डी भी डायगोनल है, दोनों का आंसर सेम होगा, इसका आंसर आपको मुझे एज ए कमेंट डालना है, और मैं यहां एक एक्सेस और बना दे रहा हूं, दिस वन, इसका नाम लिख देता हूं ई एंड एफ, मुझे आई ई एफ भी चाहिए, ये आपको करके मुझे देना है, ई एफ भी निकालिए, आई ई एफ क्या होगा ये आप बताइए कि आई ई एफ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, तो इतना काम करिए और मुझे बताइए, इतना अगर आप सीख गए हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब इसका मैं अगला लेक्चर जो डालने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगले लेक्चर में मैं ढेर सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स कैलकुलेशन पे एंड एप्लीकेशन ऑफ थियोरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पे एटलीस्ट 10-12 प्रॉब्लम लेकर मैं आ रहा हूँ, एक ही लेक्चर में सारी प्रॉब्लम कराई जाएंगी, तो उनको ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर जो मेरा आने वाला है उस पर प्रॉब्लम कैलकुलेशन ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, देन स्टे ट्यून, देखते रहे, और बहुत फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो क्लास 11 का स्कूल लेवल बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मेन्स आईटी मेन्स एडवांस एंड नीट किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, और धीरे धीरे मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम का लेवल फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट वही होते हैं, प्रॉब्लम की इनडेप्थ ज्यादा होती है, तो धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम को भी इनडेप्थ ले जाते जाते आगे लिफ्ट करूंगा। तो अगले थर्ड वीडियो के लिए तैयार रहिए और ट्यून रहिए, शेयर कर दिए लोगों को, बता दीजिए कि क्या आपको सीखना है इसमें, ठीक है, तो समझ में आया हो, तो जो मैंने यहाँ पे टीवाईएस पूछे हैं सभी को ये मेरी सलाह है, टीवाईएस पे काम करें,
और काम करें, अपना आंसर जरूर रिप्लाई करें, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप सीरियसली इससे कुछ सीख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।